शाजापुर नगर में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सामान्य जन की सुरक्षा नियंत्रण तथा सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिनेश जैन ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले आपत्तिजनक फोटो एवं लेख के पोस्ट करने से तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है तथा सोशल साइट व्हाट्सएप फेसबुक आदि पर आपत्तिजनक संदेशों चित्रों वीडियो एवं ऑडियो का प्रसार किए जाने से शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित होने की आशंका को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार धार्मिक भावना भड़काने आपत्तिजनक पोस्ट तथा किसी संप्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो को सोशल साइट व्हाट्सएप फेसबुक आदि पर प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर ऐसी पोस्ट को प्रसारित नहीं करे, ग्रुप एडमिन ऐसे यूजर्स को रोके यदि उनके ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट डाली जाती है तो एडमिन की जवाबदारी तय की जाएगी। किसी भी प्रकार के जुलूस रैली प्रदर्शन चल समारोह ज्ञापन देना आदि में किसी भी प्रकार से एकत्रित होना एवं अस्त्रों एवं शस्त्रों का सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक मैनेजर पुजारी इमाम आदि स्थलों पर मौजूद रहेंगे और स्थल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जैन ने सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के खतरे आदि की संभावना को नियंत्रित करने के लिए शाजापुर नगर के चिन्हित क्षेत्र भूतेश्वर चौराहा मनिहारवाड़ी पोस्ट ऑफिस के पीछे नूरमंडी तालाब की पाल कमरदीपुरा बड़ा चौक छोटा चौक कृष्णा टॉकीज के पीछे तथा इनके आसपास के 500 मीटर के दायरे में चार या उससे अधिक व्यक्ति का समूह किसी भी स्थान पर एक समय पर एकत्रित होने पर 9 फरवरी से 10 फरवरी दोपहर 3 बजे का प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत प्रकरण अभियोजित किया जाएगा।